क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो अर्थ का एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है 24 आवर्स में, यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ का एक कंप्लीट चक्कर लगा लेता है 24 आवर्स में। तो लिखते हैं फॉर सैटेलाइट, सैटेलाइट के लिए जो टाइम पीरियड है उसके रेवोल्यूशन का अराउंड अर्थ, वो हमें क्वेश्चन में दिया है 24 आवर्स। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अर्थ है, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है हमारा और अर्थ के चारों तरफ ये घूम रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में। जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रहा है उसका रेडियस है, रेडियस हमें दिया है यहां पर 42,250 किलोमीटर, रेडियस दिया है 42,250 किलोमीटर। हम ऑर्बिट के इस रेडियस की हेल्प से ये निकालेंगे कि जब सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमता है तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। क्योंकि सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो जब ये सैटेलाइट एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा तो वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट के बराबर डिस्प्लेसमेंट करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। यानी कि ये सैटेलाइट जब अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा तो इस सर्कुलर पाथ के सर्कमफेरेंस के बराबर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो लिखते हैं फॉर सैटेलाइट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 2πr। यहां पर जो ये 2πr है वो इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट के ऑर्बिट के सर्कमफेरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 2πr ये दिखा रहा है कि जो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो अपने सर्कमफेरेंस पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। और यहां पर जो ये r है वो इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है, ठीक है, जो कि हमें दिया है 42,250 किलोमीटर। तो हम r की जगह पर लिखेंगे 42,250 किलोमीटर, तो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा 2 इंटू पाई की जगह पर हम लिखेंगे 3.14 इंटू रेडियस की जगह पर लिखेंगे 42,250 किलोमीटर। तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सैटेलाइट जब वो अर्थ का एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेगा, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने सैटेलाइट का स्पीड कैलकुलेट करना है और हमें पता है कि जो स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस ट्रेवल कितना करता है सैटेलाइट, डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2 इंटू 3.14 इंटू 42,250 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2 इंटू 3.14 इंटू 42,250 किलोमीटर। अब सैटेलाइट जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है तो उसे 24 आवर्स लगते हैं, तो टाइम कितना लेता है वो 24 आवर्स। तो जब हम इस डिस्टेंस को इस टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड ऑफ सैटेलाइट आ जाएगा, ठीक है, सैटेलाइट का स्पीड आ जाएगा 2 से जब हम 24 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 12, 2 से जब हम 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.57, 2 से जब हम 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 21125। बस इससे ज्यादा नहीं है, समझे कि अब देखते पूरा तो हमारा स्पीड आ गया 1.57 इंटू 21125 किलोमीटर अपॉन 3 आवर्स, ठीक है। अब क्योंकि सैटेलाइट जो होता है वो अपने ऑर्बिट में बड़ा फास्ट तरीके से रोटेट करता है तो हम उसकी स्पीड को किलोमीटर पर सेकंड में निकालते हैं। यहां पर हमारे पास में स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो हम इसको भी किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तब हमारे पास में आएगा 1.57 ये इंटू 21125 किलोमीटर अपॉन, यहां पर 3 आर है तो हम इसको लिखेंगे 3 इंटू
60 into 60 seconds. आर को हमने यहां पर 60 into 60 seconds लिख लिया, ठीक है। तो यहां पर हमने 3 hours को seconds में कन्वर्ट करके लिख लिया, हमने 3 hours को लिखा 3 into 60 into 60 seconds. इस पूरे को कैलकुलेट करके हमारे पास भी स्पीड आएगा 3.07 किलोमीटर पर सेकंड, और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहां पर हमने ये निकाला है कि जो ये सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड 3.07 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है।